उसके बाद जब यहाँ पे जो बेसिकली प्रोस्टिट्यूशन का काम शुरू हुआ था वो ब्रिटिश दौर में हुआ था, तो वाइफ वाला जो कल्चर है वहाँ से स्टार्ट हुआ। ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन का काम शुरू किया तो वो काम आज तक होता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अली, वेलकम टू शेड्स ऑफ पाकिस्तान। अभी जी सुबह के 9:30 हो रहे हैं, मेरे पीछे आप बादशाह मस्जिद देख रहे होंगे। आज का जी जो बेसिकली व्लॉग है वो एक ऐसा व्लॉग है जो मैं बहुत देर से खुद बनाना चाह रहा था, लेकिन जो राइट टाइम है मुझे मिल नहीं था रहा, तो आज हमें वो मिला, जो राइट टाइम है वो हमें आज मिल गया है। और आज का जो व्लॉग वो बेसिकली हीरा मंडी और उसकी हिस्ट्री के ऊपर है। हम लोग स्टार्ट करेंगे हीरा मंडी के जो बेसिकली नाम है उससे। हीरा मंडी इसका शुरू से नाम नहीं था, इसका जो नाम था वो बेसिकली शाही मोहल्ला था। शाही मोहल्ले से फिर इसका नाम हीरा मंडी हुआ ही तकरीबन 200 साल पहले, जब राजा रंजीत सिंह का दौर था। राजा रंजीत सिंह के दौर में उनका एक मुँह बोला बेटा हुआ करता था हीरा सिंह, और वो उनका मुँह बोला बेटा भी था और वो उनकी कैबिनेट का हिस्सा भी था। तो हीरा सिंह ने एक मंडी बनवाई और उस मंडी का नाम उन्होंने बेसिकली हीरा सिंह दी मंडी रख दिया। हीरा सिंह दी मंडी का मतलब ये है कि हीरा सिंह की मंडी। और जो एक और मिसकंसेप्शन है इसके नाम के बारे में वो ये है कि इसका नाम हीरियां दी मंडी था, मतलब हीरियां दी मंडी इसलिए क्योंकि अभी हम जब इसके अंदर जाएंगे तो मैं आपको जाके दिखाऊंगा कि यहाँ पे बहुत से बड़े बड़े आर्टिस्ट भी निकले हैं, जिनमें नूरजहां हैं, मुगल आजम के जो डायरेक्टर हैं वो हैं, ऐसे आजकल की हमारी बहुत सी फिल्म स्टार्स हैं जो कि यहाँ से ही आई हैं। तो बेसिकली जो आर्टिस्ट हैं उनको हीरा बोला जाता था, और इसकी वजह से कहते थे कि हीरियां दी मंडी है, यहाँ से हीरे निकलते हैं। लेकिन जो ज़्यादा बात के अंदर सच्चाई है वो यही है कि हीरा सिंह दी मंडी की वजह से हीरा मंडी है। अभी जब हम मंडी के हीरा मंडी के अंदर चलते हैं और वहाँ पर जाके आपको चीज़ें दिखाते हैं। अगर हम इसकी बिल्कुल स्टार्ट की हिस्ट्री के अंदर जाएँ, जब इसका नाम शाही मोहल्ला हुआ करता था, तो ये तकरीबन 350 साल पहले की बात है, जहांगीर का दौर में आई गेस। हुआ ये था कि इसको जो बनाने का रीज़न था वो ये था कि ये रॉयल नेबरहुड था, यहाँ पे पहले जो दरबार के जो नौकर वगैरह हैं वो रहा करते थे, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर जो मेहमान होते थे बादशाह के, जो रॉयल मेहमान हुआ करते थे, उनको फिर यहाँ पे रखना शुरू कर दिया, घर बनाए गए, मेहमान खाने वगैरह बनाए गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब, क्योंकि वो शौकीन मिजाज लोग होते थे, मतलब इस तरह शौकीन मिजाज उसको बोलते हैं जिसको ये रक्स व सुरूर की महफिलें अच्छी लगती हैं, रक्स व सुरूर बोलते हैं जी नाच गाने को। तो जो मेहमान हुआ करते थे उनके लिए फिर औरतों को रखा जाता था, औरतें भी थीं और उनके तो ख्वाजा सिरा भी शामिल थे। फिर तवाइफ वाला जो कल्चर है वहाँ से स्टार्ट हुआ। तवाइफ इन द अर्ली डेज़ एक रिस्पेक्टेबल पेशा हुआ करता था, मतलब सब लोग इसको बुरा नहीं समझते। तवाइफ बेसिकली वो औरत हुआ करती थी जो कि जो वहाँ पर आए हुए मेहमान हैं या फिर जो भी उनके के जो कदरदान हुआ करते थे उनको एंटरटेन करना उसका मकसद हुआ करता था, जिसके अंदर सिर्फ नाचना, शायरी और गाना हुआ करता था, इसके अलावा तब तक कुछ भी नहीं था। उस वक्त की जो मशहूर तवाइफिंग हुआ करती थी वो दो शहरों की थी, लखनऊ और लाहौर। लखनऊ की जो उर्दू है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग हुआ करती थी, बड़ी खालिस जिसको उर्दू बोलते हैं, और लाहौर की जो तवाइफ थी वहाँ की, यहाँ के भी सेम ही सिस्टम था कि उर्दू भी अच्छी थी और ख़ूबसूरत भी हुआ करती थी, तो यहाँ की जो तवाइफें हैं वो बहुत मशहूर हुआ करती थी। उस दौर की मतलब कोई ऐसा सच कोई मशहूर तवाइफ नहीं थी। हादी रुसवा का एक नावल है उमराव जान अदा, लेकिन उमराव जान जिनका बीच में जिक्र किया गया, जिन तवाइफ का जिक्र किया गया उनके बारे में यही मशहूर है कि वो एक फिक्शनल करेक्टर है, शायद वो इंस्पायर्ड बाई रियल पर्सन हो, लेकिन उनका रियल लाइफ से कोई ताल्लुक नहीं है, मतलब वो असल में कोई औरत नहीं थी। हिस्ट्री के अंदर भी उनका कोई जिक्र ऐसा नहीं आता। एक और चीज़ इसके अंदर मैं ऐड कर दूं वो ये है कि क्योंकि जो तवाइफ हुआ करती थी उनकी जो शायरी से और गानों से उनका बहुत ज़्यादा लगाव था, और शायरी के लिए और गानों के लिए आपको अच्छी उर्दू चाहिए, ख़ास तौर पर शायरी के लिए। उनका जो लफ्ज़ अदा करने का तरीका हुआ करता था, बात करने का जो उनका तरीका था, तो वो लोग बहुत ज़्यादा उनसे मुतासिर थे। अभी आपने रिसेंटली एक सीज़न देखा होगा हीरा मंडी के नाम से नेटफ्लिक्स के ऊपर, उसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो कि फ़िक्शनल हैं, बल्कि बहुत सी, मैं ये कहूँगा कि ज़्यादातर चीज़ें उसके अंदर फ़िक्शनल हैं, जिसके अंदर से ख़ासतौर पे जो उसके सारे कैरेक्टर्स हैं वो सब फ़िक्शनल हैं। उसके बारे में भी मैं आपको एंड में जाके बताऊँगा कि क्या क्या उसमें असल और क्या क्या नहीं। उसकी एक चीज़ का जिक्र मैं पहले आपके साथ कर देता हूँ, वो ये है, जो एक्यूरेट चीज़ दिखाई गई है वो ये है कि जब नवाब या फिर कोई वज़रा हुआ करते थे तो वो अपने बच्चों को वाकई में तवाइफ़ों के पास भेजा करते थे ताकि वो उर्दू सीखें, उनसे आदाब वगैरह सीखें। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उस वक्त के अंदर
तवाइफ एक इज्जत वाला पेशा हुआ करता था क्योंकि उसका प्रोस्टिट्यूशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। तो जी सारी हो गई मुग़ल दौर की हिस्ट्री। जो इस यहाँ पे हीरा मंडी का जो बेसिकली काम स्टार्ट हुआ था वो उसके बाद जब उसका नाम ज़ाहिर है मुग़ल दौर के बाद जब सिख दौर आया, सिख दौर ने जब रणजीत सिंह ने टेक ओवर किया, फिर उन्होंने फिर ये हीरा सिंह जैसे मैं आपको पहले बताया उन्होंने इसका नाम पर हीरा मंडी रख दिया। उसके बाद जब यहाँ पर जो बेसिकली प्रोस्टिट्यूशन का काम शुरू हुआ था वो ब्रिटिश दौर में हुआ था और उसका रीज़न क्या वो मैं अभी आपको बताता हूँ। जी जो मेन अभी मेरे पीछे आप सारी गली देख रहे हैं क्लिप्स के अंदर भी देख रहे हैं कि ये सारी गिटार मार्केट है और मैं बात कर रहा था कि ये ब्रिटिश दौर के अंदर प्रोस्टिट्यूशन स्टार्ट किस तरह हुई थी। हुआ ये था क्योंकि ब्रिटिश जब यहाँ पर आए तो तवाइफों के बीच में और ब्रिटिश के बीच में एक लैंग्वेज बैरियर था और ब्रिटिश को बेसिकली यहाँ से जो है पैसे चाहिए थे। तो उनको कुछ समझ तो आती नहीं थी कि वो क्या शायरी कर रही हैं, क्या बोल रही हैं। तो उन्होंने फिर उनको प्रोस्टिट्यूशन की साइट के ऊपर भेजना स्टार्ट किया। थोड़ी बहुत ये वाला काम जो है ये पहले भी स्टार्ट हो गया हुआ था मुग़ल दौर के अंदर, लेकिन जब ये ओपनली स्टार्ट हुआ ये ब्रिटिश दौर के अंदर स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद ये काम तूल पकड़ता गया। हीरा मंडी नेटफ्लिक्स से उसमें एक और चीज़ का जिक्र करूँगा कि उसमें एक चीज़ दिखाई गई है कि तवाइफों ने अपने जो घर हैं वो फ्रीडम फाइटर्स को दिए थे ताकि वो यहाँ पर आकर रह सके। अच्छा एक चीज़ मैं और बता दूं कि जो तवाइफ होती थी और जो ब्रिटिश होते थे उनके बीच में कभी कोई ख़ास बन नहीं सकी। फिर जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है उसके अंदर भी बहुत बड़ा कैरेक्टर तवाइफों ने अदा किया था। वो जो नेटफ्लिक्स की सीरीज़ है उसके अंदर भी आपने देखा होगा कि तवाइफों ने अपना जो घर है वो फ्रीडम फाइटर्स को दिया क्योंकि तवाइफों के घर ऐसे कोई रेड वगैरह नहीं हुआ करती थी। दूसरी बात उस सीज़न के अंदर एक चीज़ उन्होंने दिखाई हुई है, एक कैरेक्टर है बिबो जान। वो जो बिबो जान है वो बेसिकली एक असल औरत से इंस्पायर्ड कैरेक्टर है जिनका नाम अमीरन बाई था। लेकिन उन्होंने ऐसे किसी का मर्डर नहीं किया था जिसकी वजह से उनको सजाए मौत हुई थी। उनको सजाए मौत हुई थी लेकिन उसका रीज़न ये था कि उन्होंने जो ब्रिटिश है उनके खिलाफ बेसिकली जो तहरीक थी उसके अंदर वो जो है शामिल हो गई थी। उस सब के बाद जी बहुत देर तक यहाँ पे ज़रा डाउनफॉल रहा। उसके बाद एक ग्रैंड क्रैकडाउन हुआ था 80s के अंदर। वो खैर वो तो फिर पूरे पाकिस्तान के अंदर हुआ था तो फिर ज़ाहिर है उसके अंदर ये वाला हिस्सा भी कवर हो गया था। तो जी 1980s के अंदर जब क्रैकडाउन हुआ था तो इस जगह को फिर बाकायदा तौर पे जो है बिल्कुल बंद कर दिया गया था। यहाँ पे किसी किस्म की कोई प्रोस्टिट्यूशन और कोई भी नाच गाना वगैरह नहीं होता था। लेकिन फिर जैसे जैसे थोड़ी सी ज़रा उन्होंने सख्तियों को कम किया तो फिर ये काम फिर से जो है शुरू कर दिया गया। उस दौर के अंदर एक और चीज़ ये हुई थी कि वहाँ के यहाँ के जो रहने वाले लोग थे, जो हीरा मंडी के अपने लोग थे, वो यहाँ से फिर जाके दूसरे एरियाज़ के अंदर जाके रहने लग गए थे और यहाँ पे नए लोगों का आना शुरू हो गया था। अच्छा ये जो सब अभी जो आप ये सारी गली देख रहे हैं इसके अंदर आप शॉर्ट्स देख रहे हैं, ये गिटार मार्केट है और यहाँ पे बहुत से आर्टिस्ट वगैरह निकले हैं। अभी हम लोग जब सात वाली गली के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे मैडम नूर जहाँ का भी घर है। अच्छा इधर जब आप आते हैं ना इस वाली गली के अंदर तो आपको ज़्यादातर यहाँ पे दो लफ्ज़ बड़े यूज़ होते हुए इस्तेमाल होते हुए ना नज़र आएंगे। एक लफ्ज़ है कंजर, एक लफ्ज़ है मरासी। ये दोनों जो लफ्ज़ हैं इनको एक गाली के तौर पे इस्तेमाल किया जाने लग गया वाला कि इसमें ऐसी कोई सच्चाई नहीं है। एक बहुत मज़े की बात मैं आपको बताता हूँ कि जो लफ्ज़ है ना कंजर, ये बेसिकली एक ट्राइब का नाम है, ये एक ज़ात है। तो मरासी भी उनको बोलते हैं जो गाना मतलब कि जो सारे गाने वाले लोग होते हैं उन लोगों को बोलते हैं। तो इसमें हमने इनको गाली बेसिकली बना दिया है लेकिन इस पर कोई गाली वाली बात है नहीं, एक ज़ात है और एक पेशा है। इस टाइम जिस जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ ये बाज़ार शिकुपुरी है, जो मेन खुस्सा बाज़ार है इसको कहते हैं। इसके आगे जाके टिब्बी गली है। टिब्बी गली की हम वीडियो नहीं बना सकेंगे क्योंकि वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं वो उन लोगों को इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करते, पसंद नहीं करते कि वहाँ पर आके कोई वीडियो वगैरह बनाए। इधर एक बड़ी मुझे मज़े की चीज़ मिली है, हालांकि मैं इधर से अक्सर गुजरता रहता हूँ लेकिन मैंने कभी इस चीज़ के ऊपर गौर नहीं किया। मुझे यहाँ पर सर गंगाराम की हवेली मिली है। हवेली नहीं है, घर है और उन्होंने यहाँ पे बेसिकली लिखा हुआ है कि वो यहाँ पे रहते थे। जो लोग सर गंगाराम को नहीं जानते, सर गंगाराम ने लाहौर को जो मौजूदा आप शक्ल देख रहे हैं उसको शेप करने में सर गंगाराम का बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा ये चीज़ कंफर्म नहीं है कि वो यहाँ पे कितनी देर गए। अभी जी हम यहाँ से आगे चलते हैं और आगे जाके एक बड़ी मज़े की चीज़ है, वो है नूरजहाँ साहिबा का घर, वो जाके देखते हैं और आप उसके बारे में बताते हैं। ये जी भी मेरे पीछे जो आप इंतहाई खूबसूरत एक घर देख रहे हैं, ये मैडम नूरजहाँ का घर था। वो यहाँ पे जब उन्होंने काम सीखना था क्योंकि वो बेसिकली कसूर से थी, तो जब वो लाहौर वाली साइड पे आईं तो वो 1938 से लेके 1942 तक वो यहाँ पर रहीं और ये घर इतना खूबसूरत बना हुआ है। मैंने यहाँ के लोकल से भी कंफर्म किया कि अब इन घरों के अंदर क्या है, तो उन्होंने कहा ये घर अब खाली है बिल्कुल, इनके अंदर कुछ भी नहीं होता,
और कमिंग बैक कि वो इधर रहती क्यों थी, तो जैसे मैंने आपको बताया कि नूरजहां साहिबा ने यहाँ पे, कहा जाता है कि यहाँ पे जो बहुत कुछ होता है, यहाँ पे बहुत कुछ होता है। जो मैं जो मेन टॉपिक है हमारे, उस पर वापस आता हूँ हीरा मंडी, लेकिन जो अब मैं बात करने लगा हूँ वो मैं आजकल की करने लगा हूँ कि अब यहाँ पे क्या सूरत हाल है। जब 1980 का यहाँ पे क्रैकडाउन हुआ था, उसके बाद फिर यहाँ पे जब काम रुका, लेकिन उसके बाद फिर से ये काम दोबारा शुरू हो गया क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इसको तूल दे दी। ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन का काम शुरू किया, तो वो काम आज तक होता है। ठीक है, ये अब लाहौर की एक कल्चरल हिस्ट्री को आप कह लें, ये लाहौर की हिस्ट्री के अंदर भी चीज़ शामिल हो चुकी है। ये मरासी है। हाँ, क्या नाम है बला इसका? नाम बताओ, नाम बताओ। हीरा कहते हैं। इधर आप ये जितने भी अभी आप क्लिप्स देख रहे हैं, ये इन गलियों के अंदर जो घर हैं, इस एक एक घर के अंदर डिफरेंट औरतें हैं और उनकी एक औरत की, हर औरत की डिफरेंट स्टोरी। यहाँ पे ख्वाजा सराएं भी, जैसे आप ये क्लिप्स देख रहे होंगे, तो मैंने उन मतलब ख्वाजा सराओं के साथ बैठ के बात भी की, उनके हाल चाल पूछा। असल में मैं जो बेसिकली उनके पास जो बैठा था, वो इसलिए बैठा था क्योंकि मैंने उनसे पूछना था कि कायनात की मुझे जाना कन्फर्मेशन चाहिए थी कि वो बाकी फौत हो गई हैं। तो उन्होंने ये बात की कि वो कायनात को फौत काफ़ी देर हो गई है। और दूसरी बात ये है कि जो जहाँ पे ये मेन जो गली है, टिब्बी गली, वहाँ पे मैं जैसे आपको पहले बताया कि लोग पसंद नहीं करते कि हम वहाँ पे जाएं और उनकी वीडियो वगैरह बनाएं, तो हम उस चीज़ को रिस्पेक्ट करते हुए हम वहाँ पे नहीं जाएंगे। इस सब के बाद ये जो जगह हैं, अब इन जगहों के ऊपर प्रोस्टिट्यूशन भी होती है क्योंकि ये मशहूर रेड लाइट एरिया है। और उसके बाद फिर यहाँ पे जो एडिक्ट्स हैं, क्योंकि मेरी बहुत सी जो स्टोरीज़ हैं वो यहाँ की हैं, जैसे भी आप ये जो है क्लिप के अंदर भी देख रहे होंगे, ये इस तरह के एडिक्ट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। सैकड़ों स्टोरीज़ हैं यहाँ पे, हर बंदे की अपनी स्टोरी है, हर बंदे की स्टोरी के अंदर उसका अपना पेन है। हम किसी को जज नहीं कर सकते भी। जैसे मैंने उन ख्वाजा सराओं के पास भी बैठ के बात की, तो उन्होंने यही कहा कि हम लोग, हमारा प्रोस्टिट्यूशन करने का रीज़न ही ये है कि हमने अपना पेट पालना है। और अब हम यहाँ से बस अभी बस निकलते हैं, गाड़ी की तरफ देखते हैं अगर कुछ खाना है तो कुछ खाना है, क्योंकि वीडियो ज़रा यहाँ थोड़ी सी सीरियस बन गई हुई है। गाड़ी के अंदर बैठ के मैं आप लोगों को जो हीरा मंडी नेटफ्लिक्स वाला है उसका थोड़ा सा रिव्यू और जो क्या चीज़ें उसमें असल हैं, हिस्ट्री के पास हैं और क्या चीज़ें नहीं है वो बताता हूँ। जी, कैमरा था और मैंने गाड़ी में रख दिया है। ओ हाँ, सही बोला है, कैमरा था और मैंने गाड़ी में रख दिया। अब जी, आजकल जो आप लोगों ने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम के ऊपर कुछ ट्वीट्स वगैरह देखी होंगी, कुछ रील्स वगैरह देखी होंगी कि लोग फूड स्ट्रीट को हीरा मंडी कह रहे हैं, इसमें कितनी चाहिए। मैं हीरा मंडी के अंदर आ गया, मैं फूड स्ट्रीट के अंदर आ गया हूँ, मैं अभी आपको बताता हूँ। अच्छा, हीरा मंडी इस बेसिकली इस पूरे एरिया को बोलते हैं। जो लोग ये बोल रहे हैं ना कि मतलब फूड स्ट्रीट में आके बताते हैं कि ये हीरा मंडी, वो लोग गलत नहीं है। इधर सबसे मज़े की आपको चीज़ बताता हूँ कि इधर ज़्यादातर जो रेस्टोरेंट्स हैं वो पहले कोठे हुआ करते थे। सबसे पुराना जो इनके इधर कोठा है वो कुकूस डैन है। कुकूस डैन तो बाकायदा एक मशहूर और पुराने कोठों में से एक है। जिनको नहीं पता, कोठा वो जगह होती है जहाँ पे नाच गाना होता है और इसको हम आम जुबान के अंदर मुजरा कहते हैं, जहाँ पर इस तरह की महाफिल होती हैं, उन जगहों को बेसिकली कोठा बोला जाता है। तो अभी भी कुकूस डैन के अंदर कहते हैं हिस्ट्री की वो चीज़ें बाकियात हैं। ज़ाहिर मैं वो चीज़ें देखी भी हुई हैं, लेकिन बात अभी ये है कि अभी इसमें सुबह के 12 भी नहीं बजे हुए और हम लोग, मैं बेसिकली सिर्फ यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए आया था। तो जब इंशाल्लाह ताला कभी तहा का मूड हुआ और तहा ने मुझे खाना खिलाना हुआ फूड स्ट्रीट में, तो हम लोग फिर इसका ज़रूर अंदर से आपको कुकूस डैन का, हवेली का, वो सब कुछ आपको दिखाएंगे। ये वाला जो रोशनाई गेट है ना, ये ब्रिटिश दौर का है। जो असल रोशनाई गेट है वो अंदर है, जो मैं पिछली दफ़ा दिखाया नहीं था। हमेशा मैं हर वीडियो में बोलता था कि जी वो अपनी असल हालत में दिखाया मैंने था। बाहर अभी बाहर चलते हैं, कुछ खाते पीते हैं। कहा भाई मुझे ज़रूर कुछ, मेरे जो है ना ज़रूर कुछ खिलाएंगे आज, वो कुछ खाते हैं और फिर आगे से वीडियो कंटिन्यू करते हैं। जी, हम लोग जा रहे थे ताजमहल स्वीट्स, तहा का ना खाने का मूड था और वो असल में वहाँ पर रश बहुत ज़्यादा, फैमिलीज बहुत ज़्यादा थी, तो अभी हम लोग कहीं और जा रहे हैं। अच्छा, एक मैं आपको मज़े की चीज़ बताऊं कि जो अभी मैंने आपको ये टेक्सटाइली का, हीरा मंडी का एक टूर दिया है ना, या आप समझे कि मैंने भी सिर्फ 20% दिया है। इधर मैंने अभी 80% चीज़ें कवर ही नहीं की, क्योंकि ये एक जो छोटा सा दरवाज़े की, ये छोटा सा मतलब दरवाज़ा ही बहुत बड़ा है, लेकिन उस दरवाज़े का एक छोटा सा हिस्सा मैंने आप लोगों को दिखाया है। क्योंकि इधर इतनी हिस्ट्री है कि मैं अगर बयान करने पर आऊँ तो
वीडियो बहुत लंबी हो जाए। तो मेरी कोशिश ये थी कि जितना मैं बता सकता था एक वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया। इंशाल्लाह ताला अगर कभी हीरा मंडी का पार्ट टू बनाया फिर उसके आगे जो यहाँ पे हवेलियाँ बड़ी बड़ी मशहूर हैं, फिर यहाँ पे आगे एक मार्केट है म्यूज़िक की वो बड़ी मशहूर है, उसको भी कवर करेंगे। लेकिन अभी मैंने कहा आपको छोटा सा एक पोर्शन बताता हूँ हीरा मंडी का, और मतलब मौजूदा सूरत हाल और ब्रीफ सी हिस्ट्री। मैंने कहा आपको एक और चीज़ बता दूँ, हीरा मंडी नेटफ्लिक्स का मेरा रिव्यू और उसमें कहाँ तक चीज़ें सच्ची हैं और कहाँ तक उन्होंने अपनी तरफ से की हैं। सबसे पहली बात हम लोग करेक्टर्स के ऊपर आते हैं, फरीदन, मलिका जान, उसके बाद बिबो जान, ये जितने भी लोग हैं ये सब लोग फिक्शनल हैं, इनमें रियल कोई भी नहीं था। मतलब इस नाम की आपको कोई भी, मतलब इवन के जो उनके बीच में ब्रिटिशर्स रखे हुए हैं उस नाम की भी आपको कोई ब्रिटिशर नहीं मिलने वाला। कुछ चीज़ें उसके अंदर सच में, जैसे मैंने आपको व्लॉग के स्टार्ट में बताया है, कुछ चीज़ें उसके अंदर वेरी उन्होंने जो है इस चीज़ का ध्यान रखा है कि वो बिल्कुल ही मैच होती हैं उनके साथ। उनमें सबसे पहली चीज़ वो जो मैंने आपको बेसिकली बताया था कि तवाइफों के पास नवाब अपने बच्चे बेचते थे ताकि वो उनसे अदाब वगैरह सीख सकें, वो बात रियल है। उसके बाद फ्रीडम फाइटर्स को पनाहगाह देना, वो बात रियल है। और उसके बाद जो बिबो जान है उनका जो रोल था, लेकिन वो जो रोल है उन्होंने जो बेसिकली शो किया हुआ है ना, वो उन्होंने जो सेटिंग है हीरा मंडी नेटफ्लिक्स की वो 1940s की है, लेकिन जो अटन भाई या फिर अमीरा भाई, मुझे उनका नाम जो प्रॉपर प्रोनंसिएशन कन्फर्म नहीं है, उनका जो टाइम है वो 1850s या 1860s का है और ये तकरीबन 100 साल पहले है। तो इसमें थोड़ी सी इन्होंने चीज़ों का ध्यान नहीं रखा। ऊपर से उस दौर के अंदर इतने बड़े बड़े कोठे नहीं हुआ करते थे, इतना शाही वाला सिस्टम नहीं था। हाँ, साहिबान का जो उसके अंदर एक उन्होंने कॉन्सेप्ट दिखाया है वो भी बिल्कुल ठीक है, जिसके अंदर कोई मतलब एक जो तवाइफ होती थी उनका एक कोई साहब होता था, आपने वो टर्म भी सुनी होगी, साहब था मेरा, तो वो बात भी कुछ हद तक वो चीज़ें ठीक हैं। लेकिन इस तरह का लिबास, इस तरह के कोठे, ये जो इनकी स्टोरी लाइन है ये हिस्ट्री में आपको कहीं भी नहीं मिलने वाली। ये द सीज़न इज़ क्वाइट, मतलब बस ठीक है, मुझे कोई बहुत खास नहीं लगा, हाइप बहुत ज़्यादा थी। ओके जी, तहा को मैंने घर छोड़ दिया, हमने एक सादा सी जगह से नाश्ता कर लिया था, वदत रोड पे एक नाश्ते वाला बड़ा मज़े के उसके चने होते हैं, वहाँ से हमने नाश्ता कर लिया था। और तहा को बस अभी घर छोड़ के बस अब मैं घर जा रहा हूँ और अभी जाके वीडियो एडिट करूँगा। इंशाल्लाह ताला कोशिश यही है कि आज शाम को मैं अपलोड कर दूँ। और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।